सलमान खान का शो बिग बॉस ओटीटी 2 का ग्रैंड फिनाले हो चुका है। काफी दिनों से चर्चाओं में बना हुआ था कि शो की ट्रॉफी एल्विश यादव के नाम ही होगी। ट्रॉफी कौन जीतेगा ये हर कोई जानना चाहता था। ये इंतजार कल खत्म हो गया। फिनाले के आखिरी में बस दो ही यूट्यूबर्स ही बचे जो थे एल्विश यादव और अभिषेक मल्हान। जीत की गुजाइश अभिषेक मल्हान की मानी जा रही थी क्योंकि एल्विश वाइल्ड कार्ड एंट्री थे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब ट्रॉफी एल्विश ने अपने नाम की। बता दे बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट को ट्रॉफी कभी नहीं मिली थी। बिग बॉस के फाइनलिस्ट 5 कंटेस्टेंट थे, एल्विश यादव, अभिषेक मल्हान, मनीषा रानी, बेबिका ध्रुवे और पूजा भट्ट, जिनमें से अभिषेक मल्हान सेकंड और पूजा भट्ट थर्ड रनर अप रहे। लेकिन ट्रॉफी जीतते ही एल्विश ने उसे अभिषेक मल्हान और मनीषा रानी को डेडिकेट किया। बता दे इस बार बिग बॉस ओटीटी के टॉप फाइनलिस्ट में तीनों इन्फ्लुएंसर ही थे। बिग बॉस ओटीटी 2 के फाइनल राउंड में दो लोगों में कड़ी टक्कर थी जो एल्विश यादव और अभिषेक मल्हान थे। इन दोनों कंटेस्टेंट के लिए सबसे ज्यादा वोटिंग भी की गई। सब यही जानना चाहते हैं कि दोनों यूट्यूबर्स में से किसे कितने वोट मिले। तो बता दें बिग बॉस ओटीटी 2 के एक इंस्टा पेज के अनुसार एल्विश को 21.9 मिलियन, तो वहीं अभिषेक मल्हान को 18.7 मिलियन लोगों ने वोट दिए हैं। ये भी बता दें विनर चुनने के लिए फिनाले पर 15 मिनट के लिए वोटिंग लाइन खोली गई थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन 15 मिनट में एल्विश को कितने वोट मिले थे? एल्विश यादव का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो बता रहे हैं कि फाइनल में वोटिंग जो 15 मिनट में स्टार्ट हुई थी उसमें उनको कितने वोट मिले हैं। बता दें उन्होंने बताया कि 15 मिनट में 280 मिलियन वोट मिले थे। एल्विश यादव एक पॉपुलर यूट्यूबर हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। उन्होंने 2016 में अपना यूट्यूब चैनल बनाया था। फैंस के बीच वह राव साहब के नाम से मशहूर हैं। एल्विश को उनके ठेठ हरियाणवी स्टाइल में बोलने के कारण काफी पसंद किया जाता है। एल्विश के कॉमेडी वीडियो लोगों के बीच काफी पॉपुलर हैं। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अब मिलेंगे अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।